हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम के बारे में बात किया था, उसके बाद हमने बात किया था कि क्या कहते हैं, किस तरीके से सुपर हीटिंग और सब कूलिंग उसकी साइकिल को इफेक्ट करता है, उसके सीओपी को या उसके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कैसे बढ़ाता है, घटाता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ हमने देखी। आज हम देखेंगे कि किसी चीज किसी वेपर कंप्रेशन सिस्टम की सीओपी को बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, इस मेथड का नाम होता है कास्केडिंग। ठीक है, तो अब कास्केडिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो कंडेंसर हैं, एक कंडेंसर यहाँ पे और एक कंडेंसर यहाँ पे। ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से दो इवेपोरेटर हैं, एक इवेपोरेटर यहाँ पे और एक इवेपोरेटर यहाँ पे। तो बेसिकली हमने किया क्या है कि हमने दो रेफ्रिजरेंट को यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, दो रेफ्रिजरेंट कैसे हैं जिनका हीट एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कि एक हम वाटर लें तो दूसरा हम नाइट्रोजन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने दो रेफ्रिजरेंट लिए हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कर सके, ठीक है, वो रेफ्रिजरेटर हम ऊपर की तरफ यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ पे कास्केड सिस्टम में हमने किया क्या है, हमने दो वेपर कंप्रेशन साइकिल लिए। मान लीजिए, सपोज करिए ये एक साइकिल है जिसमें हमने रेफ्रिजरेंट लिया नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन लिया और दूसरा नाइट्रोजन ले लें या हम एमोनिया ले लें NH3। ठीक है, और दूसरे में हमने बाई चांस मान लीजिए हमने वाटर ले लिया। ठीक है, H2O। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे आपको वेपर कंप्रेशन साइकिल पता है, जैसे ये पीएच साइकिल है, तो यहाँ पे आपको देखिए पहले से पता है कि मान लीजिए सपोज करिए अभी हमने इसको हटा दिया यहाँ से। ठीक है, अभी हमने इसको नीचे वाली को यहाँ से हटा दिया, तो पहले वाले में हो क्या रहा है, ये देखिए यहाँ से ये कंडेंसर में गया, कंडेंसर से ये सॉरी कंप्रेसर में गया, सबसे पहले कंप्रेसर से सुपर हीट होकर गया कंडेंसर में, और कंडेंसर से ये थ्रोटलिंग डिवाइस से इसका प्रेशर टेम्परेचर नीचे की तरफ आया और फिर ये इवेपोरेटर में गया। ये वाली जो लाइन है इसकी, ये इवेपोरेटर की है। ठीक, यानी कि इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, इवेपोरेटर में क्या चीज हो रही है, इवेपोरेटर में आपका ये जो वाला रेफ्रिजरेंट है, ये रेफ्रिजरेंट ये क्या कर रहा है, ये यहाँ की हीट को सक कर रहा है। ठीक है, ताकि यहाँ पे कूलिंग ये प्रोवाइड कर सके, यहाँ पे ये कूलिंग प्रोवाइड कर सके, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे ये कूलिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है, ये इसका कैबिन हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये इसका इवेपोरेटर पार्ट है, यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड करनी है इसको, यहाँ से ये हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, हीट को खींच रहा है अपने अंदर। नेक्स्ट साइकिल क्या हुई, वाटर की साइकिल है यहाँ पे। मान लीजिए ये कंप्रेसर है, ये वाटर यहाँ पे एक अजम्पशन है कि यहाँ पे हमने वाटर लिया है, समझाने के लिए मैंने बताया है, हमने यहाँ से शुरू किया कंप्रेसर से। ठीक है, ये यहाँ पे इसका कंडेंसर है, जहां पे क्या होगा, इस कंडेंसर में ये अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा। अब आपको बात समझनी पड़ेगी कि ये जो कंडेंसर था, ठीक है, चलिए मान लीजिए ये 2 है और ये 1। ठीक है, 1 क्या कर रहा है, 1 जहां पे 1 का इवेपोरेटर है वहां पे वो अपनी हीट को क्या कहते हैं, अंदर की जो हीट है, ठीक है, तो इवेपोरेटर की जो हीट है उसको गेन कर रहा है, अपने अंदर गेन कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि ये जो सेकंड वाले का जो कंडेंसर है, ये भी इधर पे ही है, ये अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है। तो इससे होगा क्या, देखिए ये एक तरफ से तो ये वाला पार्ट जो है, जो सेकंड का कंडेंसर है, ये अपनी हीट को रिजेक्ट कर रहा है, और पहले वाले का जो इवेपोरेटर है उसी जगह पे और ज्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज होगी इस पूरे पार्ट में, जो हीट एक्सचेंज होगी वो नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन से यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एक सीओपी बढ़ने का चांस रहता है। यहाँ पे जब आप ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, ये वाली पूरी साइकिल कंप्लीट होगी, तो यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा ये नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, जिसे हम कास्केडिंग सिस्टम कहते हैं। कास्केडिंग सिस्टम यही है पूरा हमारा, इसे हम कास्केडिंग कंडेंसर भी कहते हैं, ये जहाँ पे एक कंडेंसर और एक इवेपोरेटर होता है। तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। ठीक है, हीट एक्सचेंज जितनी जो नॉर्मल कंडीशन में होती थी उससे कई गुना ज्यादा इस कंडीशन में हीट एक्सचेंज होती है, जिससे की वजह से रेफ्रिजरेशन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और बाद में हमारी सीओपी पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल हमें कास्केडिंग के बारे में ही जाना था, कास्केडिंग क्या होती है वो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।